देख लो तो हमारा सब नहीं आया। लाइव तस्वीरें श्रीनगर बाबरम से, जहां पर एक वर्कशॉप से आग धुंधला हो जाती है और जो बचा हुआ सामान है वो वहां से निकाला जा सके। तो और यहां पर साइड में जो है लकड़ी की दुकान है, पूरे तरीके से कोशिश की जा रही है कि आग वहाँ ना पकड़े। तो जैसे यहाँ पर और ये हमारी की मस्जिद भी जो है वहाँ पर उस आग खोलना आग की जो है वारदात से हाथ से ये मदद वो फायर सर्विस सेफ्टी के लिए कोई सामान नहीं लगाते हैं, मकान बनाते हैं 5-5 करोड़ की, 2-2 करोड़ की, 3-3 करोड़ की मकान बनाते हैं, इसमें फायर प्रकाशन कुछ नहीं रखते हैं। तो एक एसोसिएशन विषय नहीं रख सकते ये फायर, जो भी फायर सर्विस वाले उनको बोलते हैं अपनी सेफ्टी के लिए कुछ सामान लगाओ यहाँ पे, होता है कुछ नहीं लगाते हैं, उसकी वजह से ये ज़्यादा अगर इससे पहले ये खुद ही लगाते हैं तो इतना नुकसान नहीं होता है। जैसे ये वर्कशॉप है यहाँ पे, ये पहले ये छोटा आग होता है, जब ये बढ़ जाता है फिर ये कंट्रोल नहीं होता है, तो इसकी वजह से यहाँ पे ये आग लगी है। इस वर्कशॉप पे तो 12:47 यहाँ पे आग लगी है। तो हम यहाँ सबसे पहले हमने बाबरी निकाला, उसके बाद में गाँव को निकाला, उसके बाद में बटवाल में हेडक्वार्टर से यहाँ पे गाड़ी हमने लाई। इस वक्त 508 जो इस वक्त काम कर रहे हैं, तो आधे पौने घंटे में ये काम बिल्कुल, कहीं ना कहीं ये लोगों की लापरवाही है जो आग को बढ़ावा देती है। आग तो लगता ही लापरवाही की वजह से, अगर इंसान अपने कंट्रोल में रहे तो अपनी होश हवास में रहे तो ऐसी बार बार वारदातें नहीं होती। लोगों के लिए क्या मैसेज है क्योंकि लगातार आग की वारदातें आ रही है ऑपरेशन? लोगों के लिए यही मैसेज है कि अगर अपनी फायर प्रकाशन ये फायर सोर्स सेफ्टी का जो हम बोलते हैं उनको एक्सटेंशन लगाओ, होल्ड लगाओ, कोई करते रहते नहीं, अगर कोई सामान ये रखेंगे अपनी सेफ्टी के लिए तो वो उनके लिए भी बचाव है। तो